यदि आप सबसे ज्यादा यूनिक और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर की। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि इस प्लान के क्या क्या यूनिक फीचर्स एंड यूनिक बेनिफिट्स हैं। यह टर्म प्लान 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, लाइफ ऑप्शन, लाइफ प्लस ऑप्शन एंड लाइफ गोल ऑप्शन। सबसे पहले हम लाइफ एंड लाइफ प्लस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन दोनों वेरिएंट्स में सिमिलर फीचर। दोनों ही प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 84 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 85 भी है। ऐसे लोग जो 65 के ऊपर के थे और टर्म प्लान लेना चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां 65 के ऊपर टर्म प्लान नहीं देती हैं, वह लोग भी इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए हमारे पास रेगुलर पे, लिमिटेड पे एंड सिंगल पे के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। रेगुलर पे का मतलब यह है कि जितने सालों का हमने टर्म इंश्योरेंस लिया है उतने सालों तक हम प्रीमियम पे करेंगे। लिमिटेड पे का मतलब यह है कि हम पॉलिसी का जो एंटायर टर्म का जो प्रीमियम है कुछ लिमिटेड सालों में ही पे कर देंगे, जैसे कि 5 पे, 10 पे या फिर 12 पे। एक और ऑप्शन हमें मिलता है सिंगल पे का, जिसमें हम सिर्फ सिंगल प्रीमियम पे करके पूरे एंटायर टर्म का प्रीमियम पे कर सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी पीरियड की बात करें तो ज़्यादातर टर्म इंश्योरेंस प्लान हमें मिनिमम 5 ईयर या फिर 10 ईयर की ही टाइम पे टेन्योर ऑफर करते हैं, लेकिन इस प्लान में हम मिनिमम 1 मंथ की भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम टेन्योर की बात करें तो इस प्लान को हम मैक्सिमम 85 की एज तक के लिए ले सकते हैं। होल लाइफ के ऑप्शन इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। दोनों ही वेरिएंट में हमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम के ऑप्शन मिलते हैं। यदि हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी टर्म सर्वाइव करने के बाद एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म हमें हमारा पूरा प्रीमियम रिटर्न हो जाता है। इस रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन के लिए हमें 30-40% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। दोनों ही वेरिएंट्स में हमने एक यूनिक फीचर मिलता है जिसे स्मार्ट एग्जिट वैल्यू या फिर नो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इसमें यदि हम मिनिमम 30 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा टेन्योर का टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं और पॉलिसी एक्सपायर होने के 5 साल के पहले यदि हम उस पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो जितना भी प्रीमियम हमने पे किया है वह हमें रिटर्न हो जाता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि यदि आप 30 ईयर्स के हैं और आपने 60 सालों तक के लिए 30 ईयर का टर्म इंश्योरेंस परचेज किया है, और यदि आप 55 की एज से पहले इस प्लान को सरेंडर कर देते हैं तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया होगा वह आपको रिटर्न हो जाएगा विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिए या फिर विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए। अगला फीचर है टर्मिनल इलनेस का। टर्मिनल इलनेस का मतलब ऐसी इलनेस या फिर ऐसी डिसीज़ होता है जिसमें डॉक्टर या आपको लिख कर दे दे या फिर डिक्लेयर कर दे कि कुछ महीनों के अंदर इस पेशेंट की डेथ हो जाएगी, आगे उसका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। ऐसी यदि कोई बीमारी होती है, टर्मिनल इलनेस होती है, तो ऐसे केस में आपका जो समय शोर्ड है आपको डेथ से पहले ही मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं कि लाइफ ऑप्शन और लाइफ प्लस ऑप्शन में किन फीचर्स का डिफरेंस है। लाइफ ऑप्शन में भी हमें 3 अलग ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा टर्म इंश्योरेंस का जो भी सम इंश्योर्ड होता है वह एंटायर टर्म सेम रहता है। यदि हमने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो पूरे पॉलिसी एंड तक वह सम इंश्योर्ड 1 करोड़ ही रहेगा। ऑप्शन बी में हमें यह ऑप्शन रहता है कि हमारा जो सम इंश्योर्ड है आफ्टर 5 ईयर्स हर 5 साल में 10% बढ़ते रहता है। और ऑप्शन सी में हमें यह ऑप्शन होता है कि हमारा जो सम इंश्योर्ड है एवरी ईयर 5% से इंक्रीज होते जाता है। तो यदि हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा सम इंश्योर्ड भी बढ़ना चाहिए, तो हमें ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेना चाहिए। लाइफ प्लस ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारा सम इंश्योर्ड तो सेम ही रहता है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर इनबिल्ट होता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का मतलब यह है कि यदि किसी इंश्योर्ड की एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तो उसे उसके टर्म इंश्योरेंस के अमाउंट का डबल अमाउंट पेबल होता है। चलिए अब बात करते हैं लाइफ गोल प्लान की। इस ऑप्शन में हमें मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स मिलती है। इस प्लान में मिनिमम पॉलिसी टेन्योर 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम टेन्योर टिल द एज ऑफ 85 अवेलेबल है। इस प्लान में हमें रेगुलर पे का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ लिमिटेड पे या फिर सिंगल पे के ऑप्शन ही अवेलेबल रहेंगे। इस वेरिएंट का जो यूनिक फीचर है गोल ऑप्शन, उसके बारे में समझते हैं। इसमें यदि हमारा कोई फाइनेंशियल गोल अचीव होता है किसी लाइफ स्टेज पर तो हम वहां से अपना लाइफ कवर पेरियोडिक डिक्रीज कर सकते हैं। कितने सालों तक हमें अपना कवर लेवल रखना है, सेम रखना है,
कितने सालों के लिए हमें अपना कवर डिक्रीज करना है एंड किस परसेंटेज से डिक्रीज करना है, इसके हिसाब से हमारा प्रीमियम कैलकुलेट होता है। एग्जांपल के लिए ये समझते हैं कि मान लीजिए आप 30 इयर्स के हैं और आपने नेक्स्ट 30 ईयर का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है और 55 की एज तक आपके ज़्यादातर जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे में आप 55 की एज तक लेवल कवर सेलेक्ट कर सकते हैं जहां 55 तक आपका जो टर्म इंश्योरेंस का कवर है सेम रहेगा, और 55 से 60 तक आप डिक्रीजिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो प्रीमियम की लाइबिलिटी है वह काफ़ी कम हो जाएगी। चलिए अब कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की बात करते हैं जिन्हें जो कि तीनों ही वेरिएंट्स के लिए अवेलेबल हैं और जिन्हें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपने पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। पहला है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। यदि एक्सीडेंट के कारण कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके बाद के सारे प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं और हमारा जो कवर है चलते रहता है पॉलिसी के एंड होने तक। वैसे ही एक और राइडर है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। हमारी पॉलिसी में लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस की जो लिस्ट होती है उनमें से यदि कोई एक क्रिटिकल इलनेस हमें हो जाती है तो हमारा जो भी प्रीमियम है एंटायर पॉलिसी टर्म का वह वेव ऑफ हो जाता है और हमारा कवर चलते रहता है। यह दोनों राइडर बहुत ही अच्छे हैं और हमें अपनी टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी में इन्हें परचेज करना ही चाहिए। इस प्लान का एक और यूनिक बेनिफिट है स्पाउस कवर ऑप्शन का, जिसमें आप अपने साथ साथ अपने स्पाउस को भी अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम अप टू 50% सम एश्योर्ड आपके बेसिक सम एश्योर्ड का अवेलेबल रहेगा। स्पाउस कवर के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यह ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको इंसेप्शन के समय मिलेगा और इंसेप्शन के समय आपका मैरिड होना कंपलसरी है। हस्बैंड एंड वाइफ की एज में 10 इयर्स से ज़्यादा का एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए और स्पाउस की एज यदि इंश्योर्ड की डेथ के समय 75 से ऊपर हो जाती है तो फिर स्पाउस कवर नहीं मिलेगा। यदि सेम इवेंट में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है तो भी स्पाउस कवर नहीं मिलेगा। यदि इंश्योर्ड की डेथ के बाद 12 महीने के अंदर स्पाउस सुसाइड कर ले तो भी स्पाउस कवर आपको नहीं मिलेगा। डेथ बेनिफिट के पे आउट के लिए हमें लमसम एंड इनकम दोनों ऑप्शन मिलते हैं। लमसम ऑप्शन का मतलब यह है कि जो एंटायर सम इंश्योर्ड है वह एक ही बार में एक ही पेमेंट में हमें मिल जाता है, और इनकम ऑप्शन का मतलब यह है कि मंथली इंस्टॉलमेंट में यह पेमेंट हमें मिलता है। यदि आपके जो नॉमिनी हैं फाइनेंशियली अवेयर हैं, इतने बड़े अमाउंट को हैंडल कर सकते हैं, या फिर आपने कोई बड़ा लोन ले रखा हो तो फिर आपको डेफिनेटली लमसम में सेलेक्ट करना चाहिए। और यदि आपके जो नॉमिनी हैं फाइनेंशियली अवेयर नहीं हैं, इतना बड़ा अमाउंट हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको इनकम ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। प्रीमियम पे करने के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस प्लान में हमें एक और यूनिक बेनिफिट मिलता है जो कि शायद किसी और टर्म प्लान में हमें नहीं मिलता है। पॉलिसी एंड होने के बाद हमें फिर से इसे रिन्यू करने का ऑप्शन मिलता है। अलग अलग लाइफ स्टेज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और उन्हीं के साथ हमें अपना टर्म इंश्योरेंस का कवरेज इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैरिज के केस में हमें मैक्सिमम अप टू 50 लाख तक, फर्स्ट चाइल्ड के केस में 25% मैक्सिमम अप टू 25 लाख एंड सेकंड चाइल्ड के केस में भी 25% मैक्सिमम अप टू 25 लाख तक अपने सम एश्योर्ड को इंक्रीज करने का ऑप्शन हमें मिलता है। इस टर्म प्लान के साथ हमें तीन राइडर मिलते हैं। पहला राइडर है इनकम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। यदि एक्सीडेंट के कारण कोई परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी होती है तो इस राइडर का हमने जो भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया होता है उसके 1% के बराबर मंथली पे आउट होता है हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। यदि आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगले 10 सालों तक। नेक्स्ट राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। आपकी पॉलिसी में लिस्टेड 19 क्रिटिकल इलनेसेस में से कोई एक इलनेस यदि डिटेक्ट होती है, डायग्नोस होती है, तो आपके क्रिटिकल इलनेस का जो भी सम एश्योर्ड है वह आपको लमसम पे आउट हो जाता है। नेक्स्ट राइडर है लाइफ प्रोटेक्ट प्लस राइडर। इस राइडर में एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट और टोटल डिसेबिलिटी या फिर कैंसर डिटेक्ट होने पर राइडर सम एश्योर्ड का पे आउट आपको हो जाता है। इस टर्म प्लान से रिलेटेड या फिर किसी और टर्म प्लान से रिलेटेड या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।